रिएक्शन दे रही हूँ, माय गॉड, जैसे मम्मी आपको पढ़ने को बात आपकी नाम लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। गाइस ये तो भाई एक जाने के फोन हमने कभी नहीं उठाए। ओह माय गॉड, वो देख रही होगी वीडियो। गाइस मैंने एक बहुत महान चीज करी हुई है, एक टेस्ट में तो फेल हुई, फिर रीटेस्ट में भी मैं फेल हुई। वो हमारे तो जून में रीटेस्ट नहीं होता था, उसमें भी फेल हो गई साइंस में। यू कैन टेल द नेम ऑफ द टैटू प्लेस आल्सो। नहीं कोई बात नहीं, वो स्पॉन्सर करेंगे सभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विदुषी अग्रवाल व्लॉग्स। एंड आज की बहुत स्पेशल वीडियो बनने वाली है, वो की जो कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, नेवर हैव आई एवर विद द मोस्ट स्पेशल पीपल। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए गाइस। टाटा। सो गाइस ये तो आपको पता ही है, मेधा है। एंड ये कौन है, कौन है ये? टीशा। टीशा गाइस, तो ये टीशा जी है, टीशा मेधा की बेस्ट फ्रेंड है। आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू टीशा, तो टीशा हम मेरी भी बेस्ट फ्रेंड हो गई, क्योंकि हम कब से जानते हैं, हम लोग कब से जानते हैं दूसरे को? 15-16 है ना, 15-16 ईयर्स, मतलब जब ये लोग इतने से थे तब से मैं इनको जानती हूँ। मैं भी तब इतनी सी थी, एक ही साल का फर्क है ना गाइस, इतना ही फर्क है। तो गाइस शायद नहीं करना, इंट्रोवर्ट नहीं रहना, एक्सट्रोवर्टनेस दिखानी है आपने मेरे सब्सक्राइबर्स को आज। एंड आज बहुत ज्यादा, पहले तो आप लोग जो वीडियो हम बना रहे हैं नेवर एवर, तो आपको उसके लिए सच बोलना पड़ेगा। दोनों रेडी हो? क्योंकि अगर झूठ बोले तो मेरे को पकड़ा तो जाएगा ही। हाँ गेम तो हम समझाएंगे, चिंता ना करिए, गेम समझी जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये बता दो, सच बोलोगे दोनों? सच बोलोगे। एंड क्वेश्चन बहुत बेसिक नहीं है, थोड़ा ट्विस्ट है, सह सकते हो आप लोग। चलो एंड मम्मा भी हमारे पीछे है बैक स्टेज, मम्मा भी रिव्यू देंगी पीछे से अपना कि आर दे स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो से। मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, गेम है नेवर हैव आई एवर। इसमें आपको प्ले कार्ड्स मिलेंगे जिसमें एक तरफ लिखा होगा ये यस है एंड ये नो। सो ये लो गाइस, आप अपनी चीजें पकड़ी। मैं भी बाय द वे गाइस खेल रही हूँ, कहीं को लेफ्ट आउट फील हो कि ये तो भैया हमारे को फंसा के निकल ली, नहीं मैं भी खेल रही हूँ, ठीक है। एंड गाइस गिफ्ट्स भी है मेरे पास, मैंने इनको लालच रखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए अभी नहीं मिल रहा भाई। अगर मैं इनको उस एग्जामिन करूंगी कि सच जितना ज्यादा सच बोला जाएगा उस बेसिस पे गिफ्ट्स मिलेंगे इनको, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट, फोन स्टार्ट पे मैं पीछे हो रही हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगी एंड मैं 3-2-1 बोलूंगी, जैसी 3-2-1 के बाद क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो में करना है, ओके। आर यू गाइस रेडी? यस। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन अ टेस्ट। मतलब इसका क्या मतलब, कभी आपने अपने एग्जाम में चीट किया है? प्रे करती थी बचपन में कि हम लोग सारे एक ही रूम में ना हो जाए पेपर के टाइम, क्योंकि हमेशा 2 साल जो मतलब जूनियर सीनियर होते हैं ना, वो एक ही क्लास में बैठते हैं। और हम लोग हमारे ए सेक्शन था ना, मतलब क्या बदनामी होगी कि बहन ने सारी आपस में पकड़ के साइड में करो, तीनों एक ही वो है। तो गाइस मैं भगवान से प्रे करती थी ये किसी और क्लास में, चाहे साथ वाली क्लास में हो जाए, लेकिन मैं इनके सामने वीडियो एडिट हो जाएगी भाई, कोई बात नहीं, एडिटिंग है। ओके गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मा वैसे रिएक्शन ना दो प्लीज, मम्मी ऐसे रिएक्शन दे रही हूँ, माय गॉड, जैसे मम्मी आपको पढ़ने को। मम्मा हमारा स्कूल खत्म हो चुके हैं, कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं, तो अब हमें क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, अगर स्कूल में होते ना तो छुपेड़े पड़ती है, हम मम्मी कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन विच इज, नेवर हैव आई एवर हैड ब्रेसेस। नो नो गाइस, हमारे दांत देख लो बिल्कुल चकाचक दांत है, हमें ब्रेसेस की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। सो यस नेवर वी डिडंट हैव ब्रेसेस एवर। आप तो रोज रोज की साइड जाओ, मम्मी ब्रेसेस के सामने बैठी है, गर्मी लग रही है, मम्मी आप उधर बैठ जाओ। चलो गाइस थर्ड क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर लाइड टू अ फ्रेंड।
कभी झूठ बोला अपने दोस्त से? नो, ऐसा नाम हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स गाइस, ऑफ कोर्स। एक कोई पता है कोई रीजन कि क्यों, किस रीजन से बोला था? बहुत रीजन पता है। नाम लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। ओह गाइस, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल। एक जाने के फोन हमने कभी नहीं उठाए। ओह माय गॉड, वो देख रही होगी वीडियो। जो भी ये वीडियो देख रही है समझ जाना किसके फोन, दोनों ने एक ही बारी में नहीं उठाए, दोनों ने एक साथ नहीं उठाया, तो वो कौन है आपका चैनल? मैं बता सकती हूँ, आई नो द आंसर। फर्स्ट लेटर बता दू? मम्मा कह रही नहीं। मुझे क्या बता? मैं बता देती हूँ, बता दू? मेरे को बताना है। मैं बता, टीशा भी बता रही हूँ। टीशा है ना? कौन? भाई मुझे रब रब से वाकिफ हूँ मैं दोनों के। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर स्पाइड ऑन माय नेबर्स। कभी ताम झाम करिए नेबर्स के, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली ऑब्वियसली गाइस, फॉरएवर स्पाइड। बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो सबसे बेस्ट बेस्ट मसाले, बेस्ट बिग बॉस एवर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मेड नेवर हैव आई एवर मेड अ प्रैंक कॉल। यस मुझे याद नहीं है, मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ, मेरे पे नहीं, तूने कभी किया? मुझे याद नहीं है, मैंने नहीं किया। मैंने मेरे कॉलेज की फ्रेंड ने करा था, मेरे पे जान भी नहीं किया था, मैंने नया फोन लिया था। इसका आंसर मैं बताती हूँ नो होगा, क्योंकि हमारी सारी वो जो हमारी साइकोलॉजी की टीचर थी, वो जो टेंथ में आई थी, वो जो पतली थी हील में, हाँ वैसे सीखी थी शिल्पा मैम, हाँ सुमिधा, सुमिधि तो चलिए सुमिधा। नहीं थी, और फीमेल कौन से थे यार वो? सुनील चड्ढा, सुनील चड्ढा, दीदी चुप कर बोलो भी किसी थोतले सर के ऊपर कभी कर उनपे गाइस। एक तो मेरा कभी नहीं हुआ, बिकॉज मैं आपको रीजन बता देती हूँ, हमारे स्कूल में सारी फीमेल्स भरी हुई थी, मेल टीचर मेरे को पूरे 10 मतलब अपने, और मेल टीचर 60 प्लस थे और वो भी पीटी सर, इनको देखे तो भागने का मन करता था। पापा संदीप सर अकाउंट्स में थे तो वो 50-60 इतने स्ट्रिक्ट और इतने भयानक लुकिंग, हम तो भाग जाते थे उनको देख के। पीटी सर, संदीप सर, नो गाइस, नो नेवर। चलो नेक्स्ट गाइस, नेवर हैव आई एवर गॉट सस्पेंडेड इन स्कूल। नहीं गाइस, हम इतने हैं, हम लोग हैं थोड़े से एक्सट्रोवर्ट, पर इतने but नहीं है, हाँ लिमिट्स, हमें पता है जो हुई है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, जिस दिन उनको लाएंगे ना तब उनकी बात करेंगे, उनको भी लाएंगे। सो गाइस, हमने कभी इतनी ऐसी हरकतें भी नहीं करी, हम इतने भी बच्चे। आप भी कुछ बोलिए, टीशर्ट बस पीछे से, क्योंकि टीशर्ट का फर्स्ट टाइम है ना। हाँ हो जा, कुछ नहीं है ये, मतलब तो बोली इतना नहीं, वो भी क्या बोल रहे हो? तो कोई तो बोले ना, कोई तो बोले, सारे चुप हो गए, तो इशारों इशारों में समझ लो। ओके सो नो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर रीगिफ्टेड अ गिफ्ट गिवन टू मी। वो ही चिपकाया आगे गिफ्ट जो तुम्हें मिला है, घूम के वो गिफ्ट तुम्हारे पास ही आ गया। मम्मी को जाती रात को, घर में मिला किसी को और हमने आगे दिया। हाँ तुमने किसी को, तुम्हें कोई चीज मिली तुमने आगे चिपका दी किसी को, एज अ टीज खोली भी नहीं। यस दिवाली के, दिवाली के, यस 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 गाइस, ऑफ कोर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर फेल्ड अ टेस्ट और एग्जाम। आई हैव मैं गाइस, मम्मा पीछे बैठी है, तो लाइक ये कौन है, कहाँ से आए हैं प्रांडिया जी, मैं ये तो साइन करके आई हूं। भाई मालिक होता था 30 से नीचे नंबर आए तो मैंने, भाई अरे यार हमारा स्कोर 20 है, मतलब जा जान के भी फेल करते थे, वो क्या मजा आते थे। अब तो जो नंबर अच्छा कॉलेज में इतने अच्छे नंबर आते थे ना, कि मैं तो स्कूल में तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया था। मैं गाइस, मैंने एक बहुत महान चीज करी हुई है,
एक टेस्ट में तो फेल हुई, फिर टेस्ट में भी मैं फेल वो हमारे तो जून में रीटेस्ट नहीं होता रहती थी, उसमें भी फेल हो गई साइंस में गाइस। लेकिन वो टेंथ था और वो मैंने ठान लिया था, उसके बाद मैं टेंथ में फिर नंबर ला गया था। नीरू चोपड़ा मैम थी और मम्मी नहीं टेंथ में, टेंथ में चलो गाइस अलग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर बीन स्लैप्ड, इसे थप्पड़ मारे मतलब मम्मी को छोड़ के, मम्मी पापा घर वालों को छोड़ के बाहर वालों से किसी से थप्पड़ पड़े टीचर वो संतोष मैम वो जो बचपन में थी या जो एक्चुअल टॉर्चर जिसको बोलते हैं वो बीसीएम में ही होता है गाइस। वो ना हमारे को पढ़ाते भी थे बट वो हमारे को मतलब वो जाहिलों को इंसान भी बनाते थे, ऐसा भी कुछ नहीं आया फालतू में, या इंसानों को जाहिल बना देते थे दोनों हो सकता है क्योंकि वो बहुत गाइस उनकी टीचर्स को पेरेंट्स कहकर जाते थे कि जितना मार सकते हो बच्चों को मारो और आज के दिन हाथ भी नहीं लगाने देते पेरेंट्स अपने बच्चों को। और मेरी मम्मी बोल के जाती थी, मम्मी बोल के जाती थी मैम आपने एक मारा दस मारो, बोल उन तक बात भी पहुंचनी चाहिए मेरे कान में जो अगर वो हो जाए तो कोई बात नहीं पियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर गॉट इनटू अ कैट फाइट, आपस में दो लड़कियों की तुम्हारी लड़ाई हुई, मेरी तो गाइस छोटी बहुत बड़ाई है, अरे ऐसे कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं ऐसे थोड़ी बहुत थी सूत्र है वो तो टीचर में भी होगी होगी नहीं कैट फाइट में तो कैट फाइट बाल हाँ ये नहीं हुआ लेकिन मैं कैट फाइट से पहले वाले लेवल तक पहुंची हुई हूँ, जब वो पीटी पीरियड होता था और जब वो पिट्टू खेलना होता था और जब होता था कि कौन जीता कौन नहीं हमने नहीं किया था, मेरे को लगा रिलेटेबल है नहीं हमने नहीं है हमने कभी तो गाइस मैं कैट फाइट तक नहीं पहुंची, उससे पहले बहुत लोग आ गए थे हमें रोकने के लिए, सो यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर गॉट अ टैटू, नो और वांट टू गेट अ टैटू, चाहते हो मैंने हमने कभी नो मतलब नो कभी है नहीं हमारे पास टैटू, बट मेरा बड़ा मन है कि हम टैटू बना, मैं टैटू बना टीचर के भी रिलेटिव है सिराबा नगर में स्पॉन्सर कर दो भैया राफी कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर स्टोलन क्लोथ फ्रॉम अ सिबलिंग फ्रॉम माय सिबलिंग, टीचर को रिलेटेबल नहीं आई फिर भी भैया के कपड़े तो पहले से गाइस जिसने मेरे बाल लोचे थे मेरे कपड़े लेने के लिए आपने कुछ कभी कुछ नहीं किया मेरे साथ, ये तो बहुत प्यारी गाइस अभी इसकी सच्चाई नहीं निकल सकती कोई बात नहीं बट वी हैव डन हमने करे है। ओके नेवर हैव आई एवर स्किप स्कूल, मतलब माँ बाप को बोल के गए थे कि स्कूल जा रहे हैं बट स्कूल नहीं गए कहीं और ही निकल लिए, ऐसे तो माँ बाप को बता के गए हैं गाइस पे माँ बाप ने छोड़ना नहीं था ना क्योंकि बीच में बात साथ के साथ बताना था, बीच में मैंने नोटिफिकेशन भी देने लग गए थे ना तो पागल थे मतलब वो स्पाई रखते थे बच्चों पे आज आपका बच्चा नहीं आया, नो गाइस सॉरी स्कूल नो गाइस स्कूल बोल के गए तो स्कूल ही गई, इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर, हम बहुत बता के गए काम बंक कर रहे हैं क्यों वो जो हम उधर चंडीगढ़ में तो बंक किया मैंने बता के बंक किया मैं मम्मा को बाहर के फोन में बंक कर रही हूँ वो तो बंक तो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर क्रैश एक्टिवा, माय ओन एक्टिवा और किसी और की एक्टिवा, गाइस ये लोग गाड़ी नहीं चला सकते वैसे तो क्रैश द कार बोलना चाहिए था बट ये सब बच्चे खुशी में भी वही आती है एक्टिवा, मैंने भी किया गाइस ये मेरे पीछे बैठी थी जो मैंने मैंने डोमिनोज वाले के साथ क्रैश हुआ था चुराए में फर्स्ट मम्मी बता की एक्टिवा चलाती है मम्मी प्राउड ऐसे ही है फर्स्ट क्रैश था वो पता था मैं एक्टिवा चलाती हूँ और पता नहीं लगी थी बिना बताया एक्टिवा नहीं नहीं मैं जब शाम को अकेले ना घूमने निकल लेती थी शाम को ना वो सोलो ट्रिप है तो वो सोलो ट्रिप पे जाती है सेंट्रल पार्क तक कोई नहीं होता तो वही जाते मम्मी सेंट्रल पार्क तक जाती थी सोलो ट्रिप नई नई जगह भी शादी कर कभी हुआ नहीं सही में चलो सही में के टचवुड या सही में के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर स्लैप्ड समवन, पहले क्वेश्चन था कि पढ़ा है लेकिन कभी किसी को मारा है सिबलिंग के अलावा, सिबलिंग के अलावा
मैंने तो मारा गैस बहुत जोर की चंडा पड़ा था मैंने फर्स्ट क्लास में मारा था। अरे कजन वगैरह का छोटे बच्चों के थप्पड़ नहीं मारा वो तो बहुत मारा है। हाँ वो तो हाँ गैस असलियत नहीं करते दोनों ने मारा है। मैंने छोटे बच्चों पे हाथ नहीं उठाती सबसे मारा होगा। चलो गैस कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर क्राइड फॉर नो रीजन कोई रीजन ही नहीं है फिर ऑलवेज आई क्राई बेबी। रो रीजन तो क्या मतलब दिमाग में कोई रीजन तो होता मुझे तो रीजन चाहिए नहीं होता रोने के लिए। लिटरली आई कैन क्राई फॉर एनीथिंग। ये गाइस वो थोड़ा सॉफ्ट है बट ये भी अच्छी बात है ना कि सारे इमोशंस निकल जाते हैं जो अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी होती है तो रोना अच्छी बात है। मम्मी लड़ने से तीसरा मतलब लड़ने से बेटर रो लेती है। मैंने देखा है मतलब किसी और को क्यों लाना खुद ही रो लो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेवर हैव आई एवर डिड शॉपलिफ्टिंग मतलब दुकान में गए और उठा के ले आए चीज और किसी को नहीं पता खबर कि हमने वो चीज दुकान में खड़के खा ली थी मतलब उसके पैसे नहीं भरे हैं नूडल्स बचपन में तो किया ही होता भाई हमारा रिसेंटली हमारा तो हमने चौमिन लिया हम बाहर जाके खाया उसमें इतना जिंजर इतना जिंजर था उसके अंदर और हमने बस वो आगे जाके किया एक्टिवा पे रखा और वापस आ गया कर्मा हिट हो गया वापिस ही नहीं चीज स्वाद ही नहीं अभी भी करने लगे तो बेटा बता रहे साल नहीं टेस्ट अच्छा नहीं नेक्स्ट लेवल है गाइस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेवर हैव आई एवर गॉट बीटन बाय योर सिबलिंग अपने बड़े भाई बहन से ऑफकोर्स तुम दोनों तो छोटे हो बड़े भाई बहन से कभी मार खाई है तूने भी खाई है भैया मैंने मेरा कौन सा पड़ा है बट हाँ सिबलिंग है तो ऑफकोर्स नहीं ऐसे बुरी वाली नहीं थप्पड़ थप्पड़ ऐसे ऐसे नहीं वो प्यार से नहीं हम दोनों में तो बिग बॉस था गाइस हम बचपन में बिग बॉस खेलते थे और कन्फेशन रूम होता था मम्मी मम्मी दूसरे कमरे से आवाज मारती थी विदुषी इस कमरे में आया जाए आपको बुलाया गया और पापा बोलते थे डंडा सुना ला दो तुमको पापा आते थे और पापा वो बोले थर्ड पर्सन नहीं होता जो सॉर्ट नहीं करता वो और मिर्च लगाता पापा कहते थे ईंटे उठा दो। तो गाइस यस हम टीशा नहीं हम दोनों ने खाए एक दूसरे से मार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेवर हैव आई एवर गॉट अ पियर्सिंग कान छिदवाए नाक छिदवाए बचपन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था माँ बाप जबरदस्ती उठा के पियर्सिंग हाँ बचपन में शुक्र है नहीं तो अगर अब के तो हम कराई ना नहीं क्यों कौन सी क्लास में हो गया था टीशा तो सेकंड में मेरा यूकेजी में तेरा भी तभी हुआ होगा एलकेजी यूकेजी में सुबह डेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेवर हैव आई एवर मेट अ सेलिब्रिटी अपार शक्ति को देखा गुर नजर अपार शक्ति ऐसे मतलब जो टू बी अ सेलिब्रिटी गाइस मतलब वो सेलिब्रिटी बनने से उनके एक फेस पहले मिली है तो अब वो सेलिब्रिटी है। किससे मिली टीशा सरगुन मेहता से हाँ वो तो सेलिब्रिटी है हम तो टू बी सेलिब्रिटी से मिले हाँ ठीक है यस सो भी देख शक्ति भी है ना अब आशक्ति भी मतलब टू बी में मिला था हमें वो तब था नहीं अब हो गया। चलो नेक्स्ट गाइस Never have I ever ate an insect by mistake. और जानबूझ के भी खा सकते हो आप लोग कभी खाया खाने में कभी क्या पता मैं बताती हूँ मेरे खाने में मच्छर था और वो बहुत टेस्टी खाना था मैंने नहीं फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं खा लेते हैं मतलब बाद में रियलाइज हुआ कि वो मच्छर था तो मैंने खाया कभी ना कभी तो हाँ मच्छर वो चींटियां तो बहुत ही नॉर्मल है पता नहीं कौन से जन्म में निकलेगा उनका निकलेगा अगर हम चाइना में होते तो फिर तो बहुत चीज कॉमन होती ना हमारे लिए रोजी से खा रहे होते कीड़िया ढूंढ हाँ दो मिनट अभी दो मिनट तल के हम अभी पकौड़े तल के अभी हम कीड़िया तल के खा रहे होते दो मिनट पहले ही हमने चींटियों का ब्रेकफास्ट किया है। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नेवर हैव आई एवर सैंक इन अ शॉवर मतलब बाथरूम सिंक कह लो
यस वी डिड वी डिड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट. हाँ लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन. नेवर हैव आई एवर फेल्ट कंफ्यूज्ड विद लाइफ. बड़ा ही डीप क्वेश्चन है ये. कभी ऐसा लगा हो कि भाई क्या ही चल रहा है और क्या ही हो रहा है. ये हम हर एक पॉइंट हमें किसी से मिलना होता है कहीं जाना होता है हम कंफ्यूज रहते हैं. कपड़े कपड़े पहनने वो लाइफ थोड़ी है. कपड़े कपड़े पहनने मम्मा दिस इज समथिंग एल्स. करियर वाइज वैसे लाइफ में कपड़े करियर रिलेशन हेल्थ सब कुछ ही अलग है. सो वी डिड गाइस. सो गाइस मैं दैट्स इट. मम्मा गिफ्ट पास कराना कैच कराना. तू मत जा भाई मम्मी कैच कराएंगे. आई सेव दोनों. मम्मी ऐसे मम्मी ऐसे हवा में दोनों फेंकना. आई डिसाइड हु वाज द विनर. सो गाइस फॉर मी आप लोग कमेंट में बताना. बट फॉर मी मुझे जहां तक इन दोनों का ऑफकोर्स 15-16 साल से पता है जिन्होंने दोनों ने सच बोला है. 100% सच बोला है. और वैसे भी मेरे क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़ा सा ट्विस्टेड बट इन्होंने फिर भी सच बोला. तो इसलिए झूठ बोलने वाला कुछ था भी नहीं है ना. क्या झूठ बोलते हैं. तो फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर हम और थोड़े स्पाइसी क्वेश्चन लाएंगे. अगर इस पे 1 लाख लाइक्स आ गए फिर हम कहीं भी होंगे. 1 लाख व्यूज बोलो बेटा. 1 लाख लाइक्स आ गए तो व्यूज तो देखे कितने सारे आएंगे. अभी कह रही हूँ ना अभी उतना ग्रो नहीं हुआ. 1 लाख व्यूज आ गए तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे. इंडिया में कहीं भी हो हम तीनों रीअरेंज होएंगे और इसका पार्ट 2 बनाएंगे. हाँ सो गाइस द गिफ्ट गोज टू बोथ ऑफ देम. चलो बाय गाइस. रुक जाओ भाई रुक जा. एंडिंग तो करने दे तुमको भागने की जल्दी है. सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग होता है खत्म. एडिंग कर दो भाई दोनों. डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड शेयर दिस वीडियो एंड एज मच एज पॉसिबल एंड टेक केयर गाइस. बाय लव यू ऑल. बाय.